हेलो फ्रेंड्स, वेल कम टू आदर्स अकेडमी। मैं सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी पीसीएस के लिए जो हमारा टारगेटेड वीडियोस 7 डेज का था, ये उसका पार्ट नंबर 4 है। 3 वीडियोस 3 डे के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये 4th है फ्रेंड्स। ठीक है, कंटिन्यूसली लगभग 25 से 30 क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं, तो ये मुश्किल से 8 से 10 मिनट का वीडियोज़ होगा। ठीक है, तो आप फटाफट ये लास्ट टाइम में आप ज़रूर देख लीजिए फ्रेंड्स ये वीडियो को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, ये आपके यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है आपका परसों, ठीक है, आफ्टर 1 डे, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप ये वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इतने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी के, उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आप लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट करें, और देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खादर क्या है? देखिए, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे परसों। तो इसका आंसर है ए, नवीन जलोढ़ मृदा से बने निम्नवर्ती मैदानी भाग जहां प्रायः बाढ़ आती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां किस पहाड़ी में मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नीलगिरी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर इज सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 में दे रखा है साक्षरता की गणना के लिए 7 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है, सही स्टेटमेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों और महिलाओं में से महिलाओं की साक्षरता जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि अधिक रही है, तो ये 2 स्टेटमेंट जो दे रखा है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, साक्षरता की दृष्टि से सबसे अग्रणी तथा सबसे पिछड़ा राज्य क्रमशः कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सबसे अग्रणी है केरला और सबसे पिछड़ा राज्य है शिक्षा की दृष्टि से, लिटरेसी रेट के दृष्टि से देखा जाए तो बिहार, सबसे पीछे बिहार, सबसे आगे केरला। ठीक है, नेक्स्ट वन, 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17.7। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये सेंसस 2011 से क्वेश्चन है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 382। ठीक है, 382 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 902। देखिए, लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 बॉय चाइल्ड में, मतलब 1000 जो लड़का है, बच्चा है, उसमें बालिकाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, 1000 बालकों में बालिकाएं की संख्या कितनी है, उसी को कहते हैं हम लिंगानुपात। तो 1000 में 902 जो है, देखिए ऐसे, ठीक है, 1000 में 902 जो है वो लड़कियां हैं। ठीक है, बच्चों में 1000 बालक है, उसमें 902 लड़कियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर इज आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ए, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। ठीक है,
नेक्स्ट वन, जनगणना 2011 के अनुसार केवल नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर इज सी, महोबा। महोबा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? ठीक है, महिला, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, देवरिया में। ठीक है, देवरिया में महिला साक्षरता जो है वो सबसे कम है, विमेन लिटरेसी सबसे कम है देवरिया जिले में। साबुन के बुलबुले किस कारण सफेद प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, व्यतिकरण के कारण। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, गर्मियों में धोनी की चाल जाड़ों की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो। तो इसका करेक्ट आंसर है गर्मियों में धोनी की चाल जाड़ों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, झरने से गिरने वाले जल की गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा में, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का, तो इस इंद्रधनुष बनने का जो कारण है प्रकाश का विवर्तन के कारण। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के नगर नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम में प्रयोग किया गया विखंडनीय पदार्थ क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, प्लूटोनियम। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, वह गैस जिसे सूंघने पर छींक व आंसू दोनों आते हैं, या फिर आंसू गैस, हम किस गैस को कहते हैं? ये भी क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे तरीके से बन सकता है। तो आंसू गैस जो कहते हैं हम कहते हैं अमोनिया को। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, कौन से गैस को। ठीक है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित करिए। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए देखते हैं ए का मिलान कैसे होगा। ए का होगा 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ठीक है, तो इसका मिलान कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक पदार्थ है? फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, उपयुक्त तीनों। ठीक है, TNT, पिक्रिक अम्ल, RDX, ये तीनों विस्फोटक पदार्थ हैं। नेक्स्ट वन, आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट वन, देखिए जो आप रेड कलर का जो आपका फायर एक्सटिंग्विश होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जब कहीं भी आग वगैरह लग जाता है बड़े बड़े ऑफिस में ये सब में, तो वो फायर एक्सटिंग्विश रखा जाता है, रेड कलर का होता है बहुत बड़ा। ठीक है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका क्या कारण है कि रुधिर वर्ग ओ के व्यक्ति का रुधिर अंश सभी वर्ग के व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, इसमें एंटीजन नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट वन, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ए, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, गाजर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, ओके, वंस मोर, इसको मिलान करना है। तो जब आप इसका मिलान करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 3142। ठीक है, तो 3, चलिए मिलान करते हैं, ए का होगा 3, विटामिन ए से रिकेट्स होते हैं,
रतौंधी, ओके, बी का जो होगा वो होगा 1, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का होता है, और विटामिन ई से वर्णधता होता है, ओके, वर्णाधता, ओके। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से पीलिया रोग संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, यकृत, ओके। पीलिया रोग जो होता है वो यकृत से संबंधित है। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका यूपीपीसीएस से रिलेटेड आपका 7 डेज एजेंडा का पार्ट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन फ्रेंड्स, शेयर करें, रिकमेंड करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे यूपी स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल में ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, हमें एनकरेज करते रहे फ्रेंड्स। और हमारे वेबसाइट www.adarshacademyeducation.com वेबसाइट में विजिट करें, वहाँ पे आपको आपके पढ़ाई से रिलेटेड PDF वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, और भी कंटेंट आपको वहाँ मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।